Thank you.
परम आदरणीय महामहिम बिशप लेमन त्रिखी डीडी जलपाईगुड़ी धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष, हमारे माल पल्ली के पल्ली पुरोहित फादर विक्रम खलको, विभिन्न पैरिशों से आए पल्ली पुरोहित एवं पुरोहितगण, हमारे सभी अतिथि पुरोहितगण, हमारे डीएसए रांची जलपाईगुड़ी प्रोविंस की प्रोविंशियल सिस्टर रोजरीन मल्लिका इक्का, हमारी पूर्व मदर जनरल वंग प्रोविंशियल की फर्स्ट काउंसलर सिस्टर लिंडा मेरी बोन, सभी डीएसए तथा विभिन्न समुदायों से आए सभी धन बहने धन बंधुगण, हमारी जुबिलेरियन धन बहने सिस्टर कैथरीन, सिस्टर सुमन और सिस्टर ललिता के परिवार से आए सभी रिश्तेदार, सगे संबंधी, यहाँ उपस्थित सभी विश्वासी माता पिता, भाई बहने तथा दोनों विद्यालय के शिक्षक वृंद एवं छात्राएं, आप सभी का इस विद्यालय प्रांगण में आज के इस धन्यवादी पौत्र मिश्रा बलिदान समारोह में हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी यहाँ रजत जयंती प्राप्त धन बहनों के साथ मिलकर इनके जीवन में सभी ईश्वरीय वरदानों, उनके समर्पित जीवन, अनमोल सेवाओं के लिए ईश्वर की बड़ी शिद्दत से धन्यवाद देने के लिए एकत्रित हुई हैं। हमारे जीवन के सारे अनुभव ईश्वरीय धन्यवाद से फलित होते हैं। धन्य है वे लोग जो आभारी होते हैं। ईश्वर हम सभी को आशीर्वाद प्रदान करता रहे और समस्त पृथ्वी पर उसकी अनुकंपा बनी रहे। मैं अभी सिस्टर क्लारा को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। पिता तिर्की, आप स्वर्गीय श्री जोसेफ तिर्की एवं स्वर्गीय श्रीमती अग्नेश तिर्की की सुपुत्री हैं। आपका जन्म गुमला धर्म प्रांत नवाडी पारिश के छोटा कटरा में हुआ। दो भाई एवं छह बहनों में आपका स्थान आठवां है। आपकी प्राथमिक शिक्षा संत अन्ना बालिका विद्यालय नवाडी में एवं हाई स्कूल की पढ़ाई राजेश्वर जनता हाई स्कूल नवाडी में हुई। तत्पश्चात आप कॉलेज की पढ़ाई निर्मला कॉलेज रांची से पूरी की। इसके बाद आप पश्चिम बंगाल आई और तीन वर्षों तक संत अम्ब्रोस महाविद्यालय में शिक्षिका का कार्य किया। तब आपने प्रभु की पुकार सुनी और सन 1996 में संत अन्ना के पुत्रियों का धम्म समाज में प्रवेश किया और छह माह का प्रार्थी अवस्था एवं दो वर्ष का नव शिष्यावस्था का प्रशिक्षण पूरी करने के पश्चात 6 जनवरी 1999 को प्रथम मन्नत ली और 24 मई 2005 को अंतिम व्रत धारण की। आपका प्रेरिताय क्षेत्र इस प्रकार है। सन 1999 से 2008 तक पुष्पिका गर्ल्स हाई स्कूल माल बाजार में सहायक शिक्षिका के रूप में काम की। सन 2009 से 2011 तक बागडोगरा धर्म प्रांत के निष्कलंका माता हिंदी स्कूल में सहायक शिक्षिका एवं मरिया केंद्र में सुपीरियर का कार्यभार संभाली। 2011 ईस्वी में आप पुनः पुष्पिका गर्ल्स हाई स्कूल माल बाजार आई और तब से लेकर आज तक आप सहायक शिक्षिका के रूप में अपनी सेवाएं इस विद्यालय की एवं स्थानीय कलीसिया को दे रही हैं। आप शांत, प्रसन्नचित, कर्तव्यनिष्ठ, उदार गुणों से सुशोभित हैं। आप आत्मविश्वासी एवं अच्छी सलाहकारिणी हैं। आपको सभी सेवाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एवं ढेर सारी शुभकामनाएं। वो हरी भरी वादियां
वो चिड़ियों की चहचहाहट, वो गांवों की सौंधी मिट्टी से आगमन होता है हमारी सिस्टर कैथरीन का, जिनका जन्म सिमडेगा धर्म प्रांत के करंगागुरी पल्ली के करंगागुरी गांव में हुआ। आप स्वर्गीय श्री जूलियस टेटे एवं स्वर्गीय श्रीमती क्रिस्टिना डुंगडुंग की सुपुत्री हैं। तीन भाई और चार बहनों में आपका स्थान छठवां है। आपकी शिक्षा दीक्षा अपने ही गांव करंगागुरी के सेंट जॉन प्राइमरी स्कूल में हुई। हाई स्कूल की पढ़ाई सेंट मेरिस हाई स्कूल तुमडेगी से पूरी की। 12वीं कक्षा पास करने के पश्चात आप सेक्रेटेरिएट ट्रेनिंग पटना से की। ट्रेनिंग समाप्त करने के बाद होली फैमिली हॉस्पिटल पटना में 5 वर्षों तक ऑफिस में अपनी सेवाएं दी। तब आप प्रभु का बुलावा सुनी और सन 1996 में संत अन्ना की पुत्रियों के धम्म संघ में प्रवेश किए और 6 माह प्रार्थी अवस्था एवं 2 वर्ष नव शिष्यावस्था में प्रशिक्षण पूरा करने के बाद 6 जनवरी 1999 को प्रथम मन्नत ली। प्रथम व्रत धारण के बाद सन 1999 से 2000 तक सेंट एन्स गर्ल्स हाई स्कूल रांची में क्लर्क के रूप में काम की। 2000 से 2002 तक सिमडेगा धर्म प्रांत के बिशप्स हाउस सामटोली में असिस्टेंट सेक्रेटरी के रूप में रही। तत्पश्चात आपका आगमन पश्चिम बंगाल में हुआ, जहां आप निर्मला गर्ल्स हाई स्कूल दमनपुर में असिस्टेंट क्लर्क के रूप में काम की। 2005 से 2006 एक वर्ष तक ज्योति आश्रम में, 2006 से 2009 तीन वर्षों तक पुष्पिका गर्ल्स हाई स्कूल माल बाजार में सेवाएं दी। इसके बाद पुनः निर्मला गर्ल्स हाई स्कूल दमनपुर गई और एक वर्ष तक वहां रही। 2010 में पुनः आप पुष्पिका गर्ल्स हाई स्कूल माल बाजार आई और आज तक आप इस विद्यालय में अपना निस्वार्थ सेवा दे रही हैं। आप कठोर परिश्रमी, सदा हसमुख, मिलनसार, साहसी व्यक्ति हैं। आप में नेतृत्व करने का गुण है। आपको इस सभी प्रकार की सेवाओं के लिए हम दिल से धन्यवाद देते हैं और आपको बधाई कहते हैं और आगे के जीवन के लिए शुभकामनाएं देते हैं। नील समंदर हरित लोक, आदिम आधुनिक का संयोग जीवन की अभिराम छटा है। अंडमान के द्वीपों में समुद्री तटों से, लहरों के शोर से बहती हुई मस्त पवन सी घोर गर्जन करती हुई तराई की समतल भूमि में अपने कर्म का पौधा सिंचा तथा अपने कर्तव्य पथ में अविचल यह शख्सियत है हमारी प्यारी सिस्टर सुमन एडलिन जुलियाना टोप्पो। आपका जन्म अंडमान निकोबार द्वीप समूह के प्रलोगजिक नंबर 9 मध्य अंडमान अराजिक पल्ली में हुआ। आपके पिता स्वर्गीय श्री मत्यस टोप्पो और माता श्रीमती रोसालिया कुजूर हैं। आप 4 भाई बहनों में 3रे नंबर पर आती हैं। आपकी प्राथमिक शिक्षा गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल बोर्नियल नंबर 11 में हुई। हाई स्कूल की पढ़ाई गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कदमतला मिडल अंडमान में हुई। 12वीं कक्षा पास करने के पश्चात प्रभु की पुकार आपके कानों पर पड़ी और आप सन 1996 में प्रथम मन्नत एवं 24 मई 2007 को अंतिम मन्नत ली। प्रथम मन्नत लेने के पश्चात आप गुमला धर्म प्रांत के कटकाही सन 1999 से 2000 तक एवं
2001 से 2002 एक वर्ष तक सोसो में अपनी सेवाएं दी। इसके बाद आप रांची धर्म प्रांत आए और 2002 से 2003 तक उल्हातू में एवं 2003 से 2004 एक वर्ष सिद्रोल में काम किया। फिर आप एक वर्ष का ट्रेनिंग के लिए सेंट एन मदर हाउस रांची में रहीं। ट्रेनिंग समाप्त करने के पश्चात आपका आगमन पश्चिम बंगाल बागडोगरा धर्म प्रांत में हुआ, जहां आप सेंट एंटनी प्राइमरी स्कूल गुमगुमा में 2004 से 2009 पाँच वर्षों तक अपनी निस्वार्थ सेवाएं दी। इसके बाद जलपाईगुड़ी धर्म प्रांत में सेंट जॉन प्राइमरी स्कूल ज्योति आश्रम में 2009 से 2012 तीन वर्षों तक प्रधान अध्यापिका का काम संभाले। 2012 में आप माल बाजार आई और तब से आज तक पुष्पिका गर्ल्स प्राइमरी स्कूल की प्रधान अध्यापिका के रूप में अपनी निस्वार्थ सेवाएं दे रही हैं। सिस्टर सुमन, आप सौम्य, कर्तव्यनिष्ठ, मधुरभाषी, विनम्रता, उदारता, प्रशंसित आदि गुणों से सुशोभित हैं। आप छोटे छोटे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चों को माँ की भांति दुलारती, पुचकारती एवं अपना प्यार देती हैं।